लाखों के जेवर, मास्टर चाबी व बैग कटर सहित अन्य सामान हुए जब्त। डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कबूली चोरी की अन्य वारदातें। अनूप शुक्ला पिता ठाकुर प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम गुलाब सिंह पवई ने थाना पवई में 12 फरवरी को रिपोर्ट किया कि परिवार सहित घर के पीछे वाले कमरे में सो गया था। सुबह उठकर घर देखा तो घर में गैलरी के बगल वाले कमरे का ताला टूटा था, पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। पास में प्रीतम सिंह निवासी गुलाब सिंह सिमरिया के सूने घर में भी ताला तोड़कर उसी रात कोई अज्ञात चोर घर में सोने चांदी के जेवर एवं सामान चोरी कर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना पवई में चोरी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 15 फरवरी शारदा पाठक पिता सियाराम निवासी ग्राम सुनेही थाना पवई ने थाना पर रिपोर्ट किया था कि यह अपनी बहन को लिवाकर वैष्णवी बस सर्विस में गुनौर से पवई आ रहा था, जो इसके हाथ में ट्रॉली बैग की चेन खोलकर बैग को काटकर कोई अज्ञात चोर ट्रॉली बैग में रखे सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया। फरियादी ने बताया कि इसी बस में बैठे हुए ग्राम सिंघासर सविता विश्वकर्मा एवं ग्राम जगनपुरा के बेबी राव के बैग को भी अज्ञात चोरों द्वारा काटकर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। थाना प्रभारी पवई निरीक्षक डीके सिंह के द्वारा चोरी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अनुभागीय अधिकारी पवई अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी पवई के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त पुलिस टीम को अज्ञात चोरों की पतारसी करने एवं चोरी हुए माल की बरामदगी हेतु उचित दिशा निर्देश दिए गए। 19 फरवरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना पवई के जूही मोड़ के पास विंध्याचल बस में डकैती की योजना बनाते समय 10 लोगों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त स्थानों पर चोरी करना स्वीकार किया गया। उनके कब्जे से चोरी गए सोने चांदी के जेवरात कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए एवं अन्य सामान, 3 बैग खोलने वाली मास्टर चाबी तथा 3 बैग कटर जब्त किए गए। आरोपियों को न्यायालय पवई के समक्ष प्रस्तुत किया गया।